अगर आपके लाइफ में कोई लव से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रश्न है या कोई प्रॉब्लम है, तो लेट्स सी कि ये आपके लिए कैसा रीडिंग देती है। मैं काफ़ी सारे कार्ड्स यूज़ करूँगी और मैं पहली बार लेनोमर्ड कार्ड्स यूज़ करूँगी। लेनोमर कार्ड्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट कार्ड्स हैं, एक अलग सा डिपिक्शन दिखाते हैं, तो मैं ये कार्ड्स को इस बार इंक्लूड कर रही हूँ इन माई रीडिंग। लेट्स सी कैसी रहेगी ये रीडिंग फॉर द पीपल हु हैव रिलेशनशिप इश्यूज। तो जो मैंने कार्ड अभी मैं जो सिलेक्ट करूंगी उसके हिसाब से जो मैं बात करूंगी, जो पहला कार्ड आया है वो ऐसा आ रहा है कि आपने कोई तरह का गैम्बल लिया है अपने लव लाइफ में। एक गैम्बल लिया है, शायद जो सामने वाला बंदा है वो या बंदी है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, और आपने एक तरह से गैम्बल करके कोशिश कर रहे हो कि किस तरह से मैं इस बंदे का अपना तरफ इंटरेस्ट या उसका जो रुझान है वो अपनी तरफ, कुछ आकर्षण अपनी तरफ करूं। बट वेदर दिस गैम्बल विल पे ऑफ और विल नॉट पे ऑफ देखते हैं, या फिर आपकी करंट रिलेशनशिप एक गैम्बल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो किधर जाने वाली है। फिर हमारे पास जो फर्स्ट दूसरा कार्ड आ रहा है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस कार्ड। दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट आपके जो गैम्बल है दैट विल पे ऑफ। यस, इट इज इंडिकेटिंग दैट द गैम्बल विल पे ऑफ, एंड ये कार्ड अपने आप आया है, तो यू कैन डेफिनेटली गो इन दैट डायरेक्शन। गैम्बल विल पे ऑफ, लेकिन आपको उसके लिए भरोसा करना पड़ेगा अपने ऊपर और आपके सराउंडिंग्स के ऊपर। अगर आपका मोस्टली एक क्वेश्चन है किसी मैन को लेके स्पेसिफिकली, तो वो जो मैन है आपके लाइफ में आपसे काफ़ी करीब है, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद करता है, शायद आपके लिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने व्यूज़ या आपके जो अपने जो इमोशंस हैं वो आप तक पहुंचा नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइमिंग, या बिकॉज ऑफ द डिफरेंट शायद व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट अदरवाइज, और देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे एक कार्ड आया रिंग का। तो अगर आपने ये गैम्बल लिया और अगर आपका जो जो फ्यूचर है मुझे रिंग दिख रहा है, यानी कि रिंग जो है वो स्टेबिलिटी प्रॉमिस करती है, हैप्पीनेस प्रॉमिस करती है, वेडिंग रिंग होती है, यानी कि जो आप गैम्बल ले रहे हैं अगर आपने उसे प्रॉपरली लिया, द कार्ड्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज परसिस्ट, वो रिलेशनशिप में आप परसिस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। योर गैम्बल विल पे ऑफ, द रिलेशनशिप विल परसिस्ट, द पर्सन इन योर लाइफ विल डेफिनेटली वॉन्ट टू बी विद यू। वो बहुत जल्दी आपको एक रिंग के साथ या कोई कमिटमेंट के साथ आपको एक, अगर हो सकता है रिंग ना दे पर एक ऐसा कुछ कमिटमेंट दे दे जो आपको उसका इंतजार था, एंड देन थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड। सो ये जो रीडिंग आई है ये बहुत फेवरेबल आई है जिनको लव का क्वेश्चन है। अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो ये हो सकता है कि उनको डेफिनेटली कोई ऐसा व्यक्ति है उनके लाइफ में आए जो उनको लव दे सके, या फिर आपके घर वाले कोई आपके लिए कोई रिलेशनशिप ढूंढे या कोई लड़का ढूंढे या लड़की ढूंढे और आपको काफ़ी कुछ जो है आपको पॉजिटिव आइडियाज़ मिले, पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिले। आइए देखते हैं कि कब तक आपके लाइफ में, अगर आपके लाइफ में कोई है नहीं तो कब तक। देखिए कार्मिक कार्ड आया है, बार बार ये कार्ड बहुत आ रहा है, दैट इज समथिंग वेरी कार्मिक हैपनिंग। तो इसका टाइमिंग का कार्ड नहीं है, लेकिन ये इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की, मतलब ये जो रिलेशनशिप है इसको आपको करने में काफ़ी समय लग सकता है, वो 6 महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 1.5 लाख, सॉरी 1.5 साल भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ टाइमलेस थिंग। तो इट इज़ अ कार्मिक कार्ड, इसलिए हम लोग टाइम उसके ऊपर नहीं डाल सकते कि ये 1 ही महीने हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, वैसा हम नहीं बोल सकते हैं। बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव, और इस महीने आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति आए वो व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकता है, और आपको उसको डेफिनेटली अपना कमिटमेंट करना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी टाइमलेस रीडिंग फॉर 2023, लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर, लव रीडिंग। आई होप आपके लिए रीडिंग ये बहुत अच्छी रहे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, बिकॉज जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये पहुँचेगा और उनको भी इससे गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।